हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ हिमाचल जूनियर इंजीनियर के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में। अभी रिसेंट एक अपडेट आया है कि हिमाचल जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, पहले जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से करवाया जाता था, अब वो एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से करवाया जाएगा। और HPPSC ने इस जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए एक नया एग्जाम पैटर्न जो है वो अनाउंस कर दिया है। इसमें इस एग्जाम को अब दो पार्ट में लिया जाएगा, पेपर वन एंड पेपर टू में। पेपर वन जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में लिया जाएगा, पेपर टू इवनिंग शिफ्ट में लिया जाएगा। और ये दोनों एग्जाम सेम डे में होगी। उसकी डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर एग्जाम के जो है एस्पिरेंट हैं और सिंसियरली इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस चैनल पे मैं सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ जो हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अभी कौन सा सबसे बड़ा जो चेंज है वो HPPSC की तरफ से करा गया है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए। अभी जो सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला है वो एग्जाम पैटर्न को लेके है। ये जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है जो है दो पार्ट में करवाया जाएगा। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा पेपर वन का नाम उसको दिया गया है। ये एग्जाम 100 मार्क्स का रहेगा और 1 आवर का रहेगा। इसमें जो सिलेबस रहने वाला है वो हिमाचल जनरल स्टडीज रहेगा और स्टैटिक जनरल स्टडीज रहेगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रहेंगे। इन दोनों का जो है 30-30 मार्क्स का वेटेज रहेगा। टोटल ये दोनों पोर्शन जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है 60 मार्क्स कैरी करेगा। और इसके बाद जो इंग्लिश का पेपर रहेगा और उसके साथ हिंदी का एग्जाम रहेगा, ये दोनों 20-20 मार्क्स कैरी करेंगे और सबको मिला के जो है टोटल 100 मार्क्स कैरी होंगे, जिसका टोटल वेटेज जो है वो 1 आवर का टाइम आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। और इस एग्जाम के में जो स्टूडेंट 35% क्वालिफाई करेंगे वो ही मेरिट लिस्ट के लिए जो है वो रिकमेंड होंगे और फर्दर जो एग्जाम है उनका जो है वो चेक करा जाएगा। सो पेपर टू की अगर मैं बात करता हूँ तो पेपर टू में आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। मींस जिस भी ब्रांच में मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में आप अपीयर करेंगे उस स्ट्रीम में ही आपका एग्जाम होगा। और ये एग्जाम भी 100 क्वेश्चंस वाला आएगा। पहले ये एग्जाम जो पेपर होता था वो डिफरेंट पैटर्न का होता था, बट अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। इस टाइम और मैं एग्जाम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखूं तो इसमें अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। अगर आप पहले ये सोच रहे थे कि सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें थोड़े अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इन दोनों एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट स्टडी होगा, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी जो नया एग्जाम पैटर्न आया है इसको ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स करियर ग्रुप ने ऑनलाइन और ऑफलाइन नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो है वो अनाउंस करे हैं। आप हमारे पास ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए स्पेशल बैचेस जो है वो चलाए जाते हैं और क्लासरूम कोर्स जो है वो चंडीगढ़ सेंटर में अवेलेबल है। और इन कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800120 1272 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो आप पहले से पढ़ के आ रहे थे उसमें से बहुत सारी चीजें जो है थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। आप इस एग्जाम को थोड़ा सा सिंसियर लेके सिंसियर एफर्ट से पढ़े, बिकॉज अब क्या है पिछले 1.5-2 साल से बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं देखी गई हैं। जितने भी स्टूडेंट 2021-22 से और 23 से पास आउट हुए हैं वो सारे स्टूडेंट्स अभी सिंसियरली इस एग्जाम के लिए एफर्ट करेंगे और आपका कॉम्पिटिशन लेवल आपको इस बार ज्यादा देखने को मिलेगा। इसको सिंसियरली पढ़ के प्रेपरेशन करके ही एग्जाम दे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और फर्दर कोई भी जानकारी के लिए इस एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे आप इसके बारे में एक जानकारी ले सकते हैं। और आइदर आप मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं एग्जाम के बारे में, कोई स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करके वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आइदर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855-7542 पे भी जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही जल्द नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए सिलेबस की जानकारी के साथ मैं वीडियोस लेके आऊंगा। इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी जो हैं इस नए एग्जाम पैटर्न के बारे में जो है नॉलेज ले लें। थैंक यू वेरी मच।